हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो आज देखेंगे कि हम टैक्स इनवॉइस टैली से कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सर, पहले टैली खोलेंगे हम। टैली खोलने के बाद कौन से कंपनी से आपको बिल काटनी है, टैक्स इनवॉइस काटनी है, वो कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे जिससे कि GST बिल निकाल सके आप। दिए उस कंपनी को ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद जो है अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे हम। उसके बाद जो है सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे हम। सेल्स वाउचर सेलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है। तो मैं अपना इनवॉइस नंबर डाल दिया। उसका डेट डालेंगे, आज का डेट। मेरा आज इनवॉइस काट रहे हैं तो आज का डेट डालेंगे हम, 31 मई। उसके बाद जो है डेटर, जो मेरा पार्टी है डेटर, उसका लेजर सेलेक्ट करेंगे। मैंने पहले से लेजर बना रखा हूँ, आप भी बना सकते हैं। अल्ट प्लस ये दवा के आप लेजर बना सकते हैं डेटर का। उसके बाद जो सेल्स वाउचर है, जो मैं कंपनी का नाम है वो डाल देंगे। इसका भी मैंने पहले से ही लेजर बना रखा हूँ, वो भी आप अल्ट प्लस ये दवा के आप बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स वाउचर में कंपनी का नाम है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आइटम डालेंगे, आइटम अमाउंट। आइटम भी हम पहले से बना चुके हैं, आप भी आइटम बना सकते हैं। अल्ट प्लस सी से आप नया लेजर बना सकते हैं, आइटम बना सकते हैं। देखिए मेरा लेजर बना हुआ है, यहाँ पे PCS में है, ठीक है। GST एप्लीकेबल है यहाँ पे। धीरे धीरे सारा आइटम डालेंगे हम। सारा आइटम डालने के बाद IGST लगा देंगे। मेरा IGST है, इंटरस्टेट है, तो IGST लगा दिए, 18% टैक्स ले लिया। उसके बाद हम सेव कर देंगे। नायासन डालने की जरूरत नहीं है, डाल सकते हैं तो भी अच्छा है, नहीं डाल तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नायासन नहीं डाल रहे हैं, बिना नायासन डाल के हम उसको सेव कर दिए। यहाँ पे हम इनवॉइस को जो हम प्रिंट देंगे, चेक करेंगे मेरा इनवॉइस निकला कि नहीं निकला। तो मैं प्रिंट दिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा टैक्स इनवॉइस जनरेट हो चुका है। आप भी जनरेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें।